हेलो एंड वेलकम बैक टू लर्न विद इंक्रीशन, और मैं हूं विनय आपके साथ आपका होस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की। ठीक, कंप्यूटर जो है वो 21st सेंचुरी में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि एप्लीकेशंस और उसके यूजेस देख सकते हैं वाइड वैरायटी ऑफ सेक्टर में। फिर चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर हो, चाहे वो ऑफिस सेक्टर हो, चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो, चाहे वो स्कूल्स या एजुकेशन सेक्टर हो, हर जगह पर कंप्यूटर यूज होता है। लेकिन कुछ कंप्यूटर की कुछ खास बातें हैं जो इसको इसके यूज करने के लायक बनाती है। कंप्यूटर की ऐसी भी होती हैं जो इसे और उसे बेहतर बनाती है, इस मशीन को ज्यादा अच्छा बनाती है, और साथ ही इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, यानी कि इसकी हदें। तो क्या है इसकी हदें और कहां तक है ये बेहद, यही जानते हैं इस लेसन वीडियो में। So, हम पहुंचते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर पे। तो क्या होते हैं कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स? पहली चीज है स्पीड। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट है वो है कंप्यूटर की स्पीड, क्योंकि ये बहुत सारे काम बहुत जल्दी स्पीड में करता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2+2 कितना होता है, आपने बोला 4, विदिन अ सेकंड यू कैन डू इट। बट अगर मैं बोलूं 24+24 कितना होता है, तो शायद आप सोचो थोड़ी देर के लिए कि 48। अगर मैं आपसे बोलूं कि 48+64 कितना होता है, तो फिर आप शायद थोड़ा और सोचें। लेकिन कंप्यूटर यही काम बड़ी स्पीड में कर देगा, क्योंकि इसको एक ही काम है, इनपुट लो, प्रोसेस करो, आउटपुट दो। तो प्रोसेसिंग चीज जो होती है बहुत तेज करता है, यही उसकी स्पीड मैटर करती है एज अ ह्यूमन कंपैरिजन। ह्यूमन कंपैरिजन से ज्यादा जल्दी काम ये कर सकता है। इसके साथ स्पीड के बाद एक सेकंड पॉइंट आता है, वो है हाई स्टोरेज। अगर आपको बोलूं कि आपको कुछ बातें याद रखनी है, तो आप शायद कुछ बातें याद ना रखें। आमतौर पर इंसान अपना रखी है, या फिर रुमाल कहाँ रख दिया, या फिर ऐनक कहाँ रख के भूल गया, ये भूल जाता है। लेकिन कंप्यूटर कुछ नहीं बोलता, इसकी स्टोरेज बहुत ज्यादा हाई होती है, ये बहुत ज्यादा कैपेसिटी में डाटा स्टोर कर सकता है। उसी के साथ आती है एक्यूरेसी। कंप्यूटर के काम में एक्यूरेसी क्यों होती है, क्योंकि ये अपने काम के अलावा कुछ और नहीं करता, ये अपना दिमाग नहीं चलाता। अगर आपने इसको एक इनपुट दे रखा है कि आपको 2 नंबर को प्लस करना है, तो जो भी आप 2 नंबर देंगे और प्लस करने के बाद उनका रिजल्ट जो दिखाएगा वो एक्यूरेट होगा, उसमें एरर के चांस बहुत कम होते हैं। तो इसलिए कंप्यूटर की एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक, रिलायबिलिटी। अब क्योंकि कंप्यूटर जो है वो कभी बोर नहीं होता, कभी थकता नहीं है, कभी भी बेहोश नहीं होता, इसको ये नहीं है कि यार मन नहीं कर रहा काम करने का तो कल कर लूंगा, तो इसकी रिलायबिलिटी ज्यादा है। अगर आप कंप्यूटर को काम दोगे तो वो तुरंत करेगा, वो कोई भारा नहीं मारेगा, वो कोई फिटिक नहीं होने वाला, मतलब कि वो उसके सिर में दर्द नहीं होने वाला, उसको बेहोशी नहीं होने वाली, वो थकने नहीं वाला, वो बोर नहीं हो रहा उस काम से, एक ही काम को बार बार कर रहा है रिपीटिव मोड में, लेकिन तब भी मना नहीं कर सकता, तो इसलिए वो ज्यादा रिलायबल होता है। और सेकेंड हाफ डाइल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी कभार जो काम ह्यूमन भी नहीं कर पाते वो काम कंप्यूटर कर सकता है। कंप्यूटर उन कंडीशन में भी काम कर सकता है जिस कंडीशन में दिमाग इंसान का काम ना करे। मान लीजिए आप 9 to 5 जॉब करके आए हैं और बहुत ज्यादा थके हुए हैं, उसके बाद मैं आपको छोटा सा मैथ प्रॉब्लम दूं, शायद आप उसे ना करें, लेकिन कंप्यूटर यहाँ पे मना नहीं करेगा, वो उसे करेगा। कुछ चीजें होती हैं जो कि ह्यूमन एरर में होती है, लाइक आप बहुत ज्यादा मूविंग स्पीड जो तेजी से आ रही है उसको आपको एक बार अच्छे से कैच नहीं कर पाते, बट मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो मोशन में करके धीरे से आपको सब कुछ दिखाना, ये सारे काम कंप्यूटर अच्छे से कर सकता है। इसलिए वर्सेटाइल है, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा वाइड एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा ये यूज होता है बहुत सारे सेक्टर में, और बहुत तरह से हेल्प करता है ह्यूमंस की। ठीक, तो ये सब कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर के, कि एक तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है कैलकुलेशन की, और जो भी प्रोसेसिंग या कैलकुलेशन करेगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, बहुत स्पीड से काम करता है। अगर आप किसी भी तरह के भाई खाते या फिर डिटेल्स को अगर आप पेपर में लिखेंगे तो बहुत सारी जगह लेंगे उसे स्टोर करने के लिए, मतलब मैनुअली स्टोर करना रिटर्न फॉर्मेट में बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही अगर आप कंप्यूटर में डिटेल्स को स्टोर करते हैं, तो कंप्यूटर बहुत कम स्टोरेज में बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकता है, जैसे कि पेन ड्राइव। ये आपकी एक पेन ड्राइव है जो कि बहुत छोटी सी है, आप अपनी जेब में रख सकते हैं, लेकिन ये चाहे तो 16 GB या उससे ऊपर 32 GB या फिर 64 GB तक का डाटा इंस्टॉल्ड करके रखती है अपने अंदर। तो इतना सारा डाटा, 16 GB का मतलब पता है क्या हुआ, अगर मैं मानता हूं कि एक गाना होता है 1 MB का, तो 1 GB में होती है 1024 MB। तो एक गाना 1 MB का, तो यानी कि लगभग मोटा मोटा 1000 गाने आएंगे, और 16 GB में 16000 गाने। तो 16000 गाने संभालने के लिए आपको बस छोटी सी पेन ड्राइव चाहिए, ताकि आप उसका यूज कर सकें। तो यही है इसकी हाई स्टोरेज, ये बहुत सारा डाटा संभाल कर सकता है बहुत ही कम जगह पे, बहुत ही कम हैंडी स्पेस में। ठीक, देखिए मैंने बताया है अभी 64+48 आपको शायद सोचने में टाइम लगे, लेकिन ये इनपुट देते ही कंप्यूटर आपको आंसर दिखा देगा। ठीक,
तो रिलायबिलिटी क्या हुई, रिलायबिलिटी की कंप्यूटर हमसे ज्यादा रिलायबल है क्योंकि ये थकता नहीं है, इसके सिर में दर्द नहीं होता, इसका ऐसा नहीं है कि आज मन नहीं कर रहा कल काम करते हैं, इसका ऐसा भी नहीं है कि यार एक ही काम रोज रोज दे रहे हो मैं नहीं कर रहा, इसको आप जो दोगे वो ये करेगा, तो ये ज्यादा रिलायबल है। और वर्सेटाइल बिकॉज ऑफ इसकी वाइड वैरायटी ऑफ यूजेस, इट्स मल्टीपर्पज यूजेस, ये बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे ह्यूमन एरर काम कर देता है, यानी कि जहाँ पे ह्यूमन बीइंग पर वो काम ना कर पाए, यानी कि बहुत तेजी से जाती हुई गति से एक कोई गाड़ी है जिसकी स्पीड आप नोटिस नहीं कर सकते, तो उसकी स्पीड मापने के लिए कंप्यूटर काम आएगा, या फिर कोई बहुत तेज गति से कुछ हो रहा है और आपको दिख नहीं रहा तो उसको धीरे करके देखने के लिए स्लो मोशन में कंप्यूटर काम आएगा। ऐसी और बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे ह्यूमन एरर जो है वो काम कर देता है, लेकिन कंप्यूटर फिर भी काम करता रहता है क्योंकि इसकी वर्सेटाइल यूजेस होते हैं। लेकिन इन सबके बावजूद कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ हदें हैं जो वो पार नहीं कर सकता, इसके बाहर वो काम नहीं कर सकता, तो वो क्या होती हैं, आइए उनको देखते हैं। अभी हमने एक बात कही छोटे से कन्वर्जन की कि 1 GB में 1024 MB होती है, तो ये कन्वर्जन टेबल है कि कैसे आप डाटा को कन्वर्ट करेंगे MB से GB या GB से TB या TB से PB या PB से ZB या MB से नीचे भी KB या उससे नीचे बिट या उससे नीचे बाइट, ठीक है। तो वैसे ही 1 MB में 1024 KB होती है, ठीक है। तो यहाँ पे GB क्या हुआ, गीगाबाइट, ये टर्म है स्टोरेज के लिए कि कितने गीगाबाइट का डाटा है, MB क्या हुआ मेगाबाइट, KB क्या हुआ किलोबाइट। तो उसको हम अगर लिखेंगे तो KB से बड़ा MB होता है और MB से बड़ा GB होता है, इससे आगे भी होती है TB और आगे बहुत कुछ, और इसके पहले भी कुछ होता है, तो इसके पहले और इसके बाद क्या होता है ये आपका काम है, ठीक है। गूगल करें, जाएं इसे सर्च करें, दिमाग थोड़ा खर्च करें और इसे जानें, बाकी इसकी हम बात करेंगे अपने डॉक्टर सेशन में, ठीक, कि कैसे कन्वर्ट करते हैं डाटा को।